कद्दू का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम उबला और मैश किया हुआ कद्दू डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 किलो कद्दू लिया हुआ था, जिसका छिलका छील कर मैंने उसे बॉईल किया था, उसके बाद मैश कर लिया था। अब इसे हम चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमारा कद्दू है वो पानी को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। पानी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप दूध। और इसको थोड़ा सा चलाते हुए 15 मिनट तक हमें पकाना है ताकि दूध भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी गुड़, आप चाहें तो चीनी का यूज भी कर सकते हैं। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए और हलवा हमारा थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। देखिए कलर काफी चेंज हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना मन हो तो ना डालें। हलवा हमारा बन चुका है, अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। आप भी इस हलवे को बनाइए घर पे, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।